ऑलराइट, लियो मूवीज से संजय दत्त का फर्स्ट लुक या यूं कहूं कि फर्स्ट ग्लिम्स एंटनी दत्त को मैंने फ्रेम बाय फ्रेम देखा और कुछ ऐसी हिडन डिटेल्स को नोटिस किया जो कि तुमने नॉर्मल स्पीड में पक्का मिस कर दी होंगी। अब हालांकि कुछ डिटेल्स के बारे में अपन ने शॉर्ट वीडियो में बात कर ली थी, बट उस वीडियो की एडिटिंग का माहौल थोड़ा सा बिगड़ गया था, तो तुम्हें ऑब्वियसली घंटा कुछ समझ में नहीं आया होगा। नहीं हाँ वही तो। और वैसे अगर तुम उस शॉर्ट वीडियो से यहाँ तक आए हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अब तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा एकदम क्लियर। तो भैया ग्लिम्स के स्टार्टिंग में ईगल के स्टेचू को दिखाया जाता है और जो पहले लियो का प्रोमो आया था उसमें भी हम ईगल को नोटिस कर सकते हैं, पर क्यों, व्हाई, कभी सोचा है? तो ये वीडियो में आगे पता चल जाएगा। सो नेक्स्ट सीन में हमें बहुत सारी भीड़ दिखती है और ऐसी भीड़ एक जमाने में हमें रोलेक्स के अड्डे पर भी दिखी थी। प्लस ये जो सीन है, हाँ यही वाला, इस सीन को जब मैंने बार बार लगातार रिपीट प्लस जूम करके देखा तो मुझे घंटा खुद समझ में नहीं आया, सिवा इनकी हेयर स्टाइल और कंधे पर रोलेक्स की तरह रेडियो रखने का स्टाइल। मगर इनके पास रेडियो नहीं है, अब पता नहीं क्या रखा है। हाँ अगर आपको पता है तो कमेंट में हमें भी बताएं। बाय द वे, मेरी तीव्र बुद्धि के हिसाब से इस भीड़ में रोलेक्स साहब हो सकते हैं और मेरी थ्योरी के हिसाब से रोलेक्स का कोई ना कोई संबंध थैंक यू एंटनी दास से हो सकता है। सो इस थ्योरी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस डिटेल को देखिए। तो इस सीन में संजय दत्त के पीछे दो लुखों को दिखाया गया है जो कि इनके आजू बाजू में है। बट मैं इन लुखों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये लुखे विक्रम के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी देखने को मिले थे। जी हाँ, ये वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि वही है जो रोलेक्स को एजेंट अमर के बारे में बताता है। उसका कारण था अमर, उसका बैकग्राउंड है मिलिट्री और वो भी मिसिंग। अब हालांकि इस ग्लिम्स में इन्हें पीछे से दिखाया है, पर आप इनका हेयर स्टाइल देखो प्लस बॉडी पर्सनैलिटी देखो, दोनों काफी हद तक सेम है। और जो ये दूसरा आदमी है ये वही है जो रोलेक्स है डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है और रोलेक्स इसकी गर्दन खटाक से अलग कर देता है। सो इसकी दाढ़ी प्लस बॉडी पर्सनैलिटी एकदम मैचिंग है। बाकी अब ये मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है तो डोंट यूज योर वेरी इंटेलिजेंट माइंड। बाकी नेक्स्ट सीन में संजू बाबा फटाक से आकर चले जाते हैं लेकिन यहाँ कुछ नहीं दिखता बाबा के अलावा। अगले सीन में ईगल के स्टेचू के साथ संजय दत्त को दिखाया जाता है। सो मेरे हिसाब से ये जगह विक्रम उर्फ कमल हासन का अड्डा है जहाँ पर उनका सिंबल बोल तो चील का स्टेचू भी बना हुआ है। प्लस तुम यहाँ पर मोमबत्ती भी जलती हुई देख सकते हो जो कि आई थिंक विक्रम अपने बेटे की याद में जलाता है जिसे कि चंदन एंड पार्टी ने विक्रम में मार दिया था। सब संजू बाबा यहाँ पर विक्रम को ढूंढते आए होंगे मेरे ख्याल से, जैसे कि पिछली बार विक्रम के अड्डे पर चंदन आया था, तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज काफी हैं। लेकिन अब विक्रम के अड्डे पर आना प्लस विक्रम का पता लगाना इतना भी आसान टास्क नहीं है बैठते, उल्टा विक्रम अपने दुश्मनों पर नजर रखता है वेंचियो, वो भी 24/7। और इसीलिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उसका सिंबॉलिक इमेज चील को बनाया गया है बिकॉज वो चील की तरह हर जगह हर बंदे पर नजर रखता है। तो मैं भी विक्रम ने ही किसी तरह इनको यहाँ तक आने दिया होगा जैसे कि उसने चंदन को आने दिया था लोकेशन डिटेक्टर चालू करके, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। नेक्स्ट सीन में संजय दत्त के पीछे कोई बोलता है एंथनी, और तुम इस सीन में ध्यान दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि संजय दत्त के पीछे कोई खड़ा है और ये बंदा मेरे हिसाब से अर्जुन दास अस अंबुदास हो सकता है, क्योंकि इस सीन में तुम उनके खड़े होने का स्टाइल नोटिस कर सकते हो जो कि विक्रम और कैथी में उनका स्टाइल रहा है। बाकी लियो में अर्जुन सरजा भी है मेरे भाई। सो इस डिटेल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस डिटेल को देखिए। अब संजू बाबा के फिल्म्स को मेकर्स ने एंटनी दास नाम से रिलीज किया है और यही नाम उनके कैरेक्टर का है। यहाँ देखो संजय दत्त अस एंटनी दास। बाकी अब डिटेल ये नहीं बल्कि ये है कि विक्रम और केती मूवी में अर्जुन दास के कैरेक्टर का नाम अंबू दास है, तो यहाँ भी दास वहाँ भी दास, समझ रहे हो दया? मतलब अंबू दास एंटनी दास का भाई हो सकता है और जो दास है वो इनका सरनेम है, तभी तो इन दोनों के नाम के पीछे दास है। बाकी इस सीन में एंटनी दास सिगरेट पीते हुए किसी से बात कर रहे हैं प्लस सैल्यूट दे रहे हैं। अब ये किससे बात कर रहे हैं प्लस किसे सैल्यूट दे रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता क्योंकि मूवी नहीं दिखाई ना डायरेक्टर ने मुझे, यहाँ के नहीं कैमरा है। बाकी तुम इस बारे में क्या सोचते हो वो भी हमें कमेंट में धड़ाधड़ लिख कर बताओ। एनीवे आज के वीडियो में इतना ही, एंड कैप्टन मिलर के टीजर पर भी डिटेल वीडियो बना रखी है तो वहां पर भी जाओ और आर के बाबा का प्रसाद पाओ, वीडियो बगल में है। चलो बाय।